नमस्कार, मैं अनुराधा आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं कार्यक्रम आयुर्वेदिक विज्ञान में। दर्शकों, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वैद्य संजीव भारद्वाज जी, जो लगातार आपको बता रहे हैं कि किडनी की समस्या क्यों होती है, अगर होती है तो आयुर्वेदिक आधार पर उसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है। अगर आपके जीवन में भी ये समस्या है तो तुरंत संपर्क करिए, नंबर्स निरंतर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। वैद्य जी, लगातार हम आपसे जान रहे हैं कि किडनी की समस्या क्यों उत्पन्न होती है, और साथ साथ अगर ये हो जाती है तो देखा जाता है कि जब व्यक्ति किसी डॉक्टर के पास जाता है तो उससे कहा जाता है कि किडनी ट्रांसप्लांट कराना ही एक आखिरी है उसके लिए उपाय, तो क्या ये संभव होता है, और ये होता है तो क्यों कहा जाता है? नहीं, देखिए, किडनी ट्रांसप्लांट मैं तो इसको सक्सेस में नहीं गिनता, क्योंकि रीज़न ये है कि मैंने तो जितने मेरे पास तो रोज़ ऐसे कितने मरीज आते हैं जिन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट कराया और उनका किडनी ट्रांसप्लांट के बाद में फिर फेल हो जाता है और अल्टीमेटली फिर वो बेचारे मेरे पास आते हैं और उस वक्त मेरे पास कोई इसका इलाज भी नहीं मिलता। देखिए, किडनी ट्रांसप्लांट कराने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट कोई ऐसा तो है नहीं कि ऑर्गन आपको कहीं किसी केमिस्ट की दुकान पर मिल रहा है या किसी रेडी के ऊपर है कि आपने लिया और उसको लगा लिया और चलो जी किडनी हो गया। एक इंसान जो किडनी ट्रांसप्लांट कराने जाता है उसके लिए सबसे बड़ी समस्या है कि पहले उसको अपने ऑर्गन का इंतज़ाम करना, जिस ऑर्गन को उसको यूज़ करना है, फिर क्या करेगा उसके बाद में, फिर वहाँ से उसको दुनिया भर के अपना गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज़, अल्टीमेटली क्या करेगा, अल्टीमेटली एक पैसे का इंतज़ाम करेगा। कई ऐसे लोग हैं जो सामर्थ्यहीन हैं, जिनके पास उतना पैसा ही नहीं है कि किडनी का इंतज़ाम भी अगर माँ कहती है चलो मैं बेटे को दे दूँगी, और उसके बाद भी वो देखते हैं कि उसके बाद भी अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे रिजल्ट जीरो भी आ सकता है, क्योंकि वहाँ पर इतना पैसा खर्च करने के बाद में लोगों को कई बार सफलता हाथ नहीं मिलती। और ऐसे जो कई बार सफलता हाथ नहीं मिलती, इसके चांसेस 99% होते हैं, जो सफलता हाथ मिले उसके चांसेस 1% है। और जो 1% चांसेस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि वो अपना लोग कर लेते हैं, उसमें ट्रांसप्लांट की जो 1% सफलता है, उसमें यह है कि किसी का 2-5 साल चल गया, चलने के बाद में अगर किसी का 2-4 साल चल गया तो अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे वो क्या करेगा, वो फिर अपने ऑर्गन का इंतज़ाम करेगा। अब एक बार तो उसने कैसे करके अपना कुछ बेच करके और अपना करके हॉस्पिटल का बिल पे कर दिया और ट्रांसप्लांट करा लिया, लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर उसका देखिए किडनी ट्रांसप्लांटेड किडनी आज नहीं कल 6 महीने में साल में उसने फेल होना ही होना है, उसको तो फेल होने से कोई रोक ही नहीं सकता। फिर क्या होगा, अल्टीमेटली क्या होगा, वो बेचारा फिर ट्रांसप्लांट के लिए या तो डोनर का इंतज़ाम करेगा, और 2-3 बार अगर उसका गलती से ट्रांसप्लांट हो गया तो उसके बाद तो फिर ट्रांसप्लांट भी उसका सक्सेस या संभव नहीं हो पाएगा। हेपेटाइटिस हो जाता है लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट कराने के बाद, लीवर के डैमेज होने की समस्या, इम्यूनो सप्रेसिव मेडिसिंस लेते हैं उससे उनका पूरा इम्यून सिस्टम ही ख़राब हो जाता है। मैंने देखा लोगों को बिल्कुल चेहरे काले पड़ जाते हैं, भाई जब तुमने इतने पैसे खर्च किए, ट्रांसप्लांट किया, अपने शरीर का ऑर्गन कटवाया, और अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे उसके बाद भी अगर आपको डायलिसिस भी जाना है, तो मेरा तो मत ये है कि डायलिसिस पे वो पहले ही चला जाएगा, उसको अपना इतना करके और अपनी जान को मुसीबत करने की ज़रूरत नहीं, वो तो पहले अपना डायलिसिस पे चला जाएगा, साथ में मेडिकेशन जो भी होता है उसके लिए उसको स्टार्ट करेगा, धीरे धीरे करके उसका जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो कि मैं रोज़ बताता हूँ अपने कार्यक्रम में, बढ़ेगा तो उसका डायलिसिस तो अपने आप वहाँ पर छूट जाएगा, तो उसको समय देना पड़ेगा। अब लोग क्या सोचते हैं कि आज किडनी फेल होगी, 10 दिन मेडिसिन खाओ या 5 दिन खाओ और अल्टीमेटली वो ठीक हो जाएगा, 5 या 10 दिन के अंदर तो ट्रांसप्लांट वाला मरीज भी नहीं उठ पाता, उसको भी उठने में 5-6 महीने या 6 महीने लगते हैं। इसका प्रोसीजर ये है मेरे हिसाब से, एक आदमी जिसकी बहुत ज़्यादा किडनी डैमेज है, कम डैमेज हुई है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, वो तो केवल मेडिसिन लेता रहेगा, चलता रहेगा, उसको तो फिर कोई डायलिसिस की आवश्यकता ही नहीं है। चलिए मैं कहता हूँ कि ज़्यादा भी डैमेज हो गई, लोग कई बार समय से नहीं पहुँच पाते किसी भी कारण से, कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जो उनको काफ़ी समय तक उनका समय बर्बाद करते रहते हैं और टाइम वेस्ट करते रहते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और उसके बाद में जब काफ़ी उनकी किडनी डैमेज हो जाती है तब उनको पता भी चलता, या कुछ ऐसा भी हुआ कि किसी कारण से उनको समय पर ये भी पता नहीं चल पाया कि वैद्य इस चीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं या संसार में इस चीज़ का ट्रीटमेंट है, तो वो फिर डिले हो जाता है उनका। तो उस कंडीशन के अंदर ये होगा, थोड़ा समय ज़्यादा ट्रीटमेंट चल जाएगा, लंबा थोड़ा ट्रीटमेंट चल जाएगा, अगर उसको लगता है कि भाई मेरा ये जो अपना किडनी का मेरे को अपना कराना है या ट्रांसप्लांट कराना है, तो उसको ड्रॉप करेगा, वो क्या करेगा अपना उठा के अपना डायलिसिस पे चला जाएगा, डायलिसिस उसको रेगुलर मेंटेन करके रखेगी, और धीरे धीरे करके फिर उसका वो मेडिकेशन से जैसे जैसे इंप्रूवमेंट आएगा फिर मैं उसका समय समय बताता रहूँगा कि किस वक्त में आपको अगला क्या स्टेप लेना है, उसके अनुसार वो अपना कार्य करेगा। जी
वैद्य जी, आपने लोगों को बहुत जागरूक किया है और ये देखा भी जाता है कि जो भारत की चिकित्सा पद्धति है आयुर्वेदिक, उसको लोग छोड़कर जब अंग्रेजी दवाइयों का सहारा लेते हैं तो एक साइड इफेक्ट्स तो होते ही हैं, साथ साथ बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। आगे बढ़ेंगे और ईमेल निशा जी का बैंगलोर से हमारे पास आया हुआ है, जैसा कि आप अभी बता रहे थे ठीक वैसा ही उदाहरण इन्होंने दिया है। लिखती हैं कि वैद्य जी, मैंने 2 बार किडनी का ट्रांसप्लांट कराया है, 1 बार 2000 में चेन्नई से कराया था, दूसरा मैंने 2011 में अभी कराया था। जो हॉस्पिटल से निकलते ही ट्रांसप्लांट मैंने कराया, वो किडनी फेलियर हॉस्पिटल से निकलते वक्त ही हो गया, तो मैं अब क्या करूं? मैं जानना चाहती हूं, आपका कार्यक्रम देखा था तो मैं आगे जानना चाहती हूं कि क्या अभी भी मेरे लिए किसी तरीके का कोई उपाय हो सकता है। निशा जी, अब मेरी पूरी सहानुभूति है आपके साथ में और मैं दिल से सहानुभूति रखता हूँ आपके साथ में, किंतु मेरे पास में अब इसका कोई उपाय नहीं है। कारण ये है कि जिस अंग को, जैसे मैं अभी बोला था, जिस अंग को बॉडी ने रिजेक्ट कर दिया, उसके लिए मैं तो आपकी कोई मदद कर ही नहीं सकता। अब देखिए, पहले किसी को ये एक्सप्लेन नहीं किया जाता कि आप एक बार ट्रांसप्लांट कराएंगे और आपका फेल हो गया तो आप क्या करेंगे। आपको ट्रांसप्लांट के लिए तो बहुत कुछ एक्सप्लेन किया जाता है, क्योंकि उसमें तो आर्थिक लाभ होता है ना, बहुत कुछ मिलना होता है, तो वहाँ तो आपको बहुत कुछ एक्सप्लेन किया जाता है, लेकिन उसके बाद आपका क्या होगा ये कोई एक्सप्लेन नहीं करता। उसके बाद आपको अपने हाल पे छोड़ दिया जाता है। अब इस कंडीशन में निशा जी, ऐसे जो मरीज़ हैं, जो ऐसे बहुत से हज़ारों लाखों मरीज़ हैं हिंदुस्तान में और वर्ल्ड में, जो इस तरीके का कुछ ट्रांसप्लांट किया और फेल हो गया, ये कॉमन चीज़ है। ट्रांसप्लांट करना और फेल होना ये कॉमन चीज़ है, जहाँ पर भी आप समझे। जब अच्छी खासी किडनी फेल हो सकती है तो ट्रांसप्लांटेड को फेल होने में तो कोई ऐसा मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा विशेष दिक्कत आएगी। तो ये कॉमन चीज़ है और देखिए, पूरे वर्ल्ड के अंदर लोग इससे ग्रस्त हैं और उनको इस तरह की सलाह देके उन बेचारों को एंड ऐसे कगार पे पहुंचा दिया कि 2000 में उस लड़की ने किडनी फेल हुई, उसने ट्रांसप्लांट कराई और फिर उसके 2 साल 4 साल के बाद में फिर उसकी किडनी दोबारा से फेल हो गई और वो जो ओटी से भी बाहर नहीं निकल पाई। देखिए, एक टर्मिनोलॉजी बड़ी हमारे यहाँ पे कमाल है। हिंदुस्तानियों को तो ऐसे समझते हैं जैसे बिल्कुल उनको कुछ अकल ही ना हो। एक आदमी का ट्रांसप्लांट हुआ, ट्रांसप्लांट उसका किसी कारण से फेल हो गया, तो उसको अगर वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ गया, उसको बोलेंगे पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। उसको ये नहीं बोलेंगे कि हमारा ट्रांसप्लांट अनसक्सेस रहा, उसको अपनी सक्सेस रेट में गिन लेंगे कि ओटी के अंदर हमारी किडनी। अरे इतना तो एक आदमी का गला काट दो, मुर्दा हो वो भी 2-4 मिनट तो तड़पता है, अगर 10 मिनट बाद वो अगर वो आप बाहर आके फेल होगी, क्योंकि किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होगी जी, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन है। ट्रांसप्लांट तो आपका सक्सेस था, ये तो इनकी सक्सेस रेट है, तो क्या आदमी ट्रांसप्लांट कराएगा? और क्या उसका बेस ही नहीं है ना, किस लिए ट्रांसप्लांट कराएगा, उसका बेस ही नहीं है। वो अभी वो बेचारा ट्रांसप्लांट करा रहा है, उसको ये नहीं पता कि मैं इतने पैसे खर्च करके किडनी लेकर डोनर लेकर अल्टीमेटली ओटी से भी बाहर आऊँगा कि नहीं आऊँगा। तो फिर मेरा तो वहीं पर वही सजेशन आता है कि भैया जी, ये तो इससे ज़्यादा बेस्ट तो ये है, बहुत ज़्यादा वर्सन कंडीशन है, तो आप अपना डायलिसिस करा लो, धीरे धीरे करके आपकी चिकित्सा अपना चलती रहेगी। अगर आपका रीनल स्कैन डीटीपी पहले करा लेंगे, हर 3rd महीने के अंदर उसको परफॉर्म कराएंगे, अगर उसके अंदर चेंजेस आते हैं तो आपकी ये समस्या का समाधान धीरे धीरे करके हो जाएगा। दुनिया के लोगों को, और आप तो ये मैंने वैज्ञानिक रूप से सिद्ध कर दिया कि किडनी अगर एक बार खराब हो जाती है तो वो किडनी ठीक हो सकती है। इसके मेरे पास में 100 से ज़्यादा 200 से ज़्यादा उदाहरण है, तो अब तो इस पर कोई इफ एंड बट और क्वेश्चन मार्क रहा ही नहीं ना। जो क्वेश्चन मार्क वाली स्थिति थी जब हमारे पास में वैज्ञानिक रूप से तथ्य नहीं थे, तो लोगों को समझा दिया जाता था कि इसे नहीं है, ये है वो है। देखिए, मेरे को एक कहावत है कुएं का मेंढक होना, ये बड़ी ध्यान आती है। कुछ लोग होते हैं कुएं के मेंढक होते हैं, वो उनको केवल जो कहा गया या समझाया गया वो उसी दायरे में घूमते रहते हैं, उनको ये पता ही नहीं कि इसके बाहर कितनी बड़ी विशाल दुनिया है। तो जब वो सच्चाई का सामना करते हैं तब उनको पता चलता है कि अच्छा, ये भी हमारे संसार के अंदर तथ्य उपलब्ध है। नहीं, जहां आप जाइए वो कहेंगे ट्रांसप्लांट करा लो, ये करा लो, कोई आपको सही रास्ते वाली सलाह कोई नहीं बताएगा। जिसके अंदर आप आज करा लो, 5-10 लाख रुपए खर्च कर दो और उसके बाद आप घर जाओ, उसके बाद आपसे नमस्ते भी नहीं है, ऐसी सलाह देने वाले तो बहुत मिल जाएंगे आपको हिंदुस्तान में। जी वैद्य जी, आगे बढ़ेंगे। अनिल सिंह जी छत्तीसगढ़ से, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। जी अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार सर, मेरे मतलब दाल में जखम जैसे लगभग 8 से 9 माह हो गए। सर आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं? जी मैंने बायोप्सी कराया, बायोप्सी कराया गाल में आपने? आप ये बताइए, मैलिग्नेंसी तो नहीं है? ठीक है, मैलिग्नेंसी नहीं है तो फिर देखिए ऐसा है, वैसे तो अगर मैलिग्नेंसी भी हो तो चिकित्सा तो हम लोग उसकी भी करते हैं। मैलिग्नेंसी जिन लोगों को हो जाती है, अगर कैंसर के सिम्टम है तो वहाँ भी हो जाती है, पर एक नॉर्मल अगर सपोज करो वहाँ पर अगर चेंजेस भी हैं तो उन चेंजेस का भी आपका ट्रीटमेंट हो सकता है। किसी भी कारण से आपके सार्कोइडोसिस हो गया, ऐसा मान के चलते हैं बिनाइन, अगर वहाँ पर आपके टिश्यूज डेवलप हो रहे हैं तो उनका भी ट्रीटमेंट हो जाता है। उसके लिए आपको भाई जी एक काम करना है, आपको एक टेस्ट होता है उसका नाम होता है ब्लड का,
ACE, उस टेस्ट को आप करा लीजिए और कराने के बाद आप मुझसे मिल लीजिए। मिलने के बाद जब भी आप मिलेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली मैं आपकी चिकित्सा स्टार्ट करूंगा और मुझे उम्मीद है भगवान की कृपा से बहुत जल्द जल्द से जल्द 2-4 महीने में इसका समाधान आपके आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए थोड़ा समय तो लगेगा और आपको आना भी पड़ेगा, लेकिन आने से पहले आप ये ACE टेस्ट जब करा लेंगे तो उसके बाद आपका समय बर्बाद नहीं होगा, आप मेरे पास आके तुरंत चिकित्सा शुरू करा सकते हैं। दूसरा, एक बात मैं लोगों को ये भी कहना चाहूँगा, लोगों को नोड्यूल हो जाते हैं, कैंसर हो जाते हैं, एक बात मेरी समझ में नहीं आई मैडम, पीछे मैंने अखबार में काफ़ी पढ़ा कि रेडिएशन जो होता है उससे कैंसर हो जाता है, कि मोबाइल बहुत रेडिएशन वाले आ रहे हैं इनसे कैंसर हो जाता है, मोबाइल के टावर से कैंसर हो जाता है, और जब किसी को अगर कैंसर हो जाए तो हमारे चिकित्सा के नाम पे उसको रेडिएशन दिया जाता है। मुझे आज तक ये चीज़ समझ नहीं आई कि रेडिएशन से कैंसर होता है या रेडिएशन से कैंसर ठीक होता है, जो खुद अपने आप में इतना पजल अपने ट्रीटमेंट के मामले में, वो क्या आपको मदद करेंगे जी। वैद्य जी आगे बढ़ेंगे, हम एक ईमेल शामिल करना चाहेंगे, शशांक जी की चंडीगढ़ से आई हुई है, लिखते हैं कि वैद्य जी मैंने पत्रिका लेप्रोस्कोपी कराया, उसे किडनी परफेक्ट आ गया है, क्या मैं कोई और ट्रीटमेंट ले सकता हूँ, क्या आयुर्वेद के माध्यम से कोई ट्रीटमेंट हो सकता है? नहीं बिल्कुल, आप बिल्कुल आ सकते हैं, उसमें तो कोई संशय और संदेह है ही नहीं, वो तो आयुर्वेद तो देखिए सभी पद्धतियों की जननी है, लेकिन ये है कि लोग उसको भूलते जा रहे थे, लेकिन अब उसको वैज्ञानिक रूप से सिद्ध करने के बाद अब ये क्लियर हो गया कि किसी भी कारण से अब आपका वहाँ पर हुआ और ऑपरेशन हुआ, और उसके बाद अगर आपको हाइड्रोनेफ्रोसिस है या वहाँ पर आपकी किडनी किस कारण से फेल है, वो मैं आपकी एक बार रिपोर्ट्स देख लूँगा, क्योंकि देखिए अभी आपकी रिपोर्ट्स मेरे सामने नहीं, तो मुझे तो अभी क्लियर नहीं है कि उसके अंदर क्या मेडिकल रीनल चेंजेस हैं, कहाँ पर क्या चीज़ दिक्कत है, तो एक बार देखने के बाद में उसके अनुसार चिकित्सा की जाएगी, तो वो जरूर ठीक होगी जब उसका वैज्ञानिक आधार है। देखिए इस चिकित्सा का एक वैज्ञानिक आधार है, ये चिकित्सा ऐसा नहीं है कि आप चिकित्सा करा रहे हैं और उसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, इसको हमने आज की, और वैज्ञानिक आधार तो इसका सदियों से, जब से चिकित्सा पद्धति बनी है तब से, लेकिन आज का जो विज्ञान है उसके कसौटी के ऊपर भी इसको पूरी तरह से खरा उतारा गया, इसमें तो कोई संशय और संदेह है ही नहीं। तो इसलिए जो भी आपका लेप्रोस्कोपी के कारण किडनी डैमेज हुआ होगा उसके लिए टेस्ट होगा, रिनल स्कैन DTP है, अगर कहीं GFR आपका कम हुआ है, रिटेंशन टाइम आपका बढ़ा है, वो सब कुछ इसके अंदर आएगा और करने के अनुसार फिर मैं आपका ट्रीटमेंट शुरू करूंगा, इट विल बी फाइन, वो कोई समस्या नहीं। किडनी का ट्रीटमेंट तो हमारे यहाँ जितना होता है उससे अच्छा तो ट्रीटमेंट पूरे वर्ल्ड में इस वक्त में कहीं नहीं है, क्योंकि यही एक ऐसी हमारी जगह है जहाँ पर हमने इतना किडनी का शोध करके और वैज्ञानिक रूप से सिद्ध करके किडनी का ट्रीटमेंट निकाला। तो दर्शकों आप सुन रहे हैं कि वैद्य जी लगातार आपको बता रहे हैं कि किडनी की प्रॉब्लम आपको है तो पूरी तरीके से आयुर्वेद में उसका इलाज संभव है, बस ज़रूरत है तो आपको एक कदम बढ़ाने की, क्योंकि अगर आप नहीं बढ़ेंगे तो आपको ट्रीटमेंट भी नहीं मिल पाएगा। आपको है ये समस्या या फिर आपके अड़ोस पड़ोस में किसी को है तो आप जन कल्याण करने के लिए आगे बढ़िए, तुरंत वैद्य जी से मुलाकात करिए, मुलाकात करने के लिए नंबर्स निरंतर आपकी TV स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। वैद्य जी आगे बढ़ेंगे, अक्षय जी हैं अलीगढ़ से, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। मैडम मैं अक्षय बोल रहा हूँ अलीगढ़ से जी। मेरी किडनी की प्रॉब्लम है, किडनी फेलियर है, तो इसका इलाज कराना चाहता हूँ, डॉक्टर ने तो ट्रांसप्लांट कह दिया है कराने की। अक्षय जी ट्रांसप्लांट का तो आपने सुन ही लिया है कि क्या क्या हाल हो रहा है लोगों का ट्रांसप्लांट कराने के बाद में, कितना कॉम्प्लिकेशन है। आप ये बताइए आपको किडनी फेलियर कब से है? ये सर 1 साल से पता लगा है। 1 साल से पता लगा है, तो आप 1 साल से, 1 साल पहले आपका क्रिएटिनिन लेवल कितना था? वो सर जैसे 7 लेवल पे मुझे पता लगा था। अच्छा, और अब कितना है? अब मेरा सर 6 चल रहा है, मैंने एक डायलिसिस करा तो 7 के बाद 14 हो गया। अच्छा, तो फिर उसके बाद मैंने डायलिसिस कराना छोड़ दिया, दवाई खाता रहता हूँ। ठीक है, कौन सी दवाई खा रहे हैं आप? इसमें सर जैसे फेबुगेट है। अच्छा, वो एलोपैथिक मेडिसिन खा रहे हैं आप? जी, अपना जी, जी। नहीं, आपका टेस्ट क्या क्या हुए? टेस्ट सर सभी टेस्ट हो चुके, लगभग सभी में रीनल स्कैन DTP हो गया आपका? जी रीनल स्कैन DTP हुआ है आज तक? नहीं सर, वो DTP नहीं हुआ। बताइए DTP टेस्ट, जबकि बेसिक टेस्ट है इसके लिए, उसी से पता चलता है कि आपकी किडनी कितनी खराब है कितनी खराब नहीं है। अब लोगों को ये एक बड़ी समस्या है कि जो डॉक्टर्स हैं वो इस टेस्ट को कभी नहीं कराते, क्योंकि वो कहते हैं कि आप ये मेडिसिन खाते रहिए, इससे आप अपने स्टेबल रहेंगे, और उसके बाद में अल्टीमेटली वो पेशेंट की हालत डिटोरिएट होती जाती है और उसको पता भी नहीं चलता। इस टेस्ट से आपको क्लियर हो सकता है कि आपकी हालत क्या है क्या नहीं। तो मेरी सलाह यही है कि आप अपना जो भी टेस्ट है रीनल स्कैन DTP है वो आप करा लीजिए, आप दिल्ली आ जाइए मेरे पास में, यहाँ पर जो जो आपकी जांच है वो मैं क्लियर करा के आपका ट्रीटमेंट शुरू करता हूँ, और मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि इस समस्या का समाधान तो आयुर्वेद में ही है। हाँ, कुछ जगह मेरे पास एक कुछ ऐसे ही प्रश्न आते हैं, वो कहते हैं कि हमने कुछ वैद्य जी से इलाज लिया तो उनके पास नहीं हुआ, तो इसमें आयुर्वेद का क्यों गलती नहीं है कि आयुर्वेद से इलाज नहीं हुआ? अगर किसी के पास किसी बीमारी की स्पेशलाइजेशन नहीं है तो कई बार ऐसा होता है कि उससे वो चीज़ नहीं संभली, तो उसमें आयुर्वेद के वैद्य की गलती नहीं, ना आयुर्वेद की गलती है, वो उसके अंदर उसके एक्सपीरियंस है कि उसको किडनी का एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो कैसे ठीक करेगा उस चीज़ में, तो वो तो नहीं हो सकता, लेकिन आयुर्वेद ने तो ये सिद्ध कर दिया, आयुर्वेदिक दवाइयाँ तो मैं भी दे रहा हूँ।
इन्होंने तो ये सिद्ध कर दिया कि यहाँ पर ये चीज़ ट्रीट हो सकती है और क्योर हो सकती है। तो मेरी आपको सलाह ये है सर कि आप दिल्ली आ जाइए, जो भी आपकी जांच है वो मैं अपने हिसाब से करवाऊंगा और उसके अकॉर्डिंगली आपका ट्रीटमेंट करूंगा, तो क्यों नहीं ठीक होगा, बिल्कुल ठीक होगा, उसमें तो ना का कोई सवाल ही नहीं है उसके अंदर। तो दर्शकों आप देख रहे हैं कि वैद्य जी लगातार आपको बता रहे हैं कि सारी रिपोर्ट लेकर अगर आप मिलते हैं तो आपका ट्रीटमेंट पूरी तरीके से संभव हो सकता है और लोगों का संभव भी हुआ है। उन्हीं के अनुभव जानेंगे हम ब्रेक के दौरान, तो आप कहीं मत जाइएगा, रहिएगा हमारे साथ। पेशेंट का नाम क्या है? पेशेंट का नाम श्री रामरति है। रामरति है, अच्छा वाइफ है आपकी? वो मेरी वाइफ है। अच्छा अच्छा, क्या दिक्कत थी उनको? सर उन्हें जो आजी उनको डॉक्टर ने बताया कि किडनी फेल हो गई। अच्छा, और उन्होंने बताया कि ये टेस्ट करवाया। हाँ हाँ, 9.4। अच्छा, संजीव भरद्वाज जी हैं। हाँ जी, हाँ जी सर, उन पे हम उनके पास आए। हाँ हाँ, उन्होंने जो साहब इलाज किया, उस इलाज में साहब उनके इलाज से जो मतलब वो डॉक्टर कहते थे कि इसको तो मर जाएगी जल्दी जल्दी से, इसको दवाई दो और उसमें करो ट्रांसप्लांट करो। हाँ जी, ट्रांसप्लांट हमने दो बार तो वो साई नर्सिंग होम में रखे सर। अच्छा, उसके बाद में जी फिर उसको वैसी दवाई दी गई कि वो मतलब उसको फिर उसके जलन पैदा शरीर में पूरी आग भी मुझे फेर करो फेर करो। फिर उसे जसवंत राय एक नर्सिंग होम में बहुत बड़ा मेरठ में उसे दिखाया गया, उसमें जाया गया जी। दो एक दिन में भी डॉक्टर बोले कि इसका तो डायलिसिस होगा। अच्छा, हम जो है जी आपके यहाँ संजीव भरद्वाज जी के पास आए सर, उन्होंने जो आज हमें दवाई दी, हमने वो जो है दवाई चालू कर दी उनकी। मेरा नाम महावीर सिंह है जी। हाँ जी, पानीपत हरियाणा का रहने वाला हूँ जी मैं। ठीक है, तो क्या रोग था आपको? मेरे को किडनी प्रॉब्लम हो गई थी जी। अच्छा, तो कैसे पता चला आपको कि किडनी आपकी खराब है? मैंने पानीपत में टेस्ट कराए जी। अच्छा, कई डॉक्टरों से वहाँ से मेरे को बिल्कुल कोई भी आराम नहीं मिला जी ट्रीटमेंट कराने से जी। अच्छा, तो फिर मैंने संजीव भारद्वाज डॉक्टर का वैद्य भारद्वाज इसका जी टीवी पर प्रोग्राम देखा जी, मैं इनके सेंटर पर आया जी, मैंने अपना वहाँ से ट्रीटमेंट चालू कराया, मैं बिल्कुल ठीक हो गया जी। मेरा नाम अजय कुमार शुक्ला है और मेरे पिताजी को किडनी की प्रॉब्लम थी जिसके कारण मैं यहाँ पे मार्च 2013 से आ रहा हूँ। मेरे फादर की डायलिसिस होती थी हफ्ते में 3 बार। उनको प्रॉब्लम बहुत थी कि वो जो है ठीक से सांस नहीं ले पाते थे या उनके जो है भूख बिल्कुल नहीं लगती थी और बहुत ही ज़्यादा वीकनेस हो गई थी उनको। वो इस कारण से डेली जो है हम लोग बहुत परेशान थे और इस वजह से यहाँ पर किसी ने पता बताया और हम उनके इलाज के लिए आए। हमको यहाँ की दवा से बहुत फर्क महसूस हुआ है। उनकी जो दैनिकचर्या है जो पहले के मुकाबले आज बहुत अच्छी है। हमको ये फर्क जो डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट स्कैन कराने DTP स्कैन कराने बोला था, हमने एक स्कैन जो है अप्रैल के महीने में कराया था और दूसरा स्कैन जो है इसी महीने कराया है, तो जो उसका 4 महीने का अंतर है उसके दौरान हमको जो उनकी प्रोग्रेस दिखती है वो बहुत स्पष्ट है। ये रिपोर्ट अप्रैल 2013 की है DTP स्कैन की, जिसमें इनका फिल्ट्रेशन रेट 11 बताया गया है, यानी कि किडनी की जो छानने की क्षमता है वो 11% इनकी काम कर रही है। 3 दिन पहले का टेस्ट है ये, जिसमें इनका फिल्ट्रेशन रेट बढ़ के 15.5 यानी 15.5 हो गया है। तो पहले यहाँ मार्च में आई थी, मार्च में आके वहाँ प्राइवेट इलाज किया पुष्पांजलि में, तो वहाँ कुछ नहीं फायदा कुछ नहीं मिला। फिर किसी ने यहाँ बोला, फिर मेरे बच्चे यहाँ लेके आए मेरे को, यहाँ आके मैं ठीक हूँ, खाना पीना और अब चलना फिरना थोड़ी बहुत अपने हाथ से खड़े हो पा रही हूँ। तब तो पहले मेरे बच्चों ने मेरे को बच्चों की तरह खड़ा किया, पेशाब में मेरे खून गिरता था, खून ही निकलता था पेशाब में, तो वो बंद हो गई 15 दिन के दवाई खाने से। मेरा नाम हरीश सिंघल है, मैं दिल्ली का ही निवासी हूँ। मेरे बेटे को किडनी में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैंने TV में देखा तो मुझे पता चला डॉक्टर संजीव भारद्वाज जी का, तो अपने बेटे को मैं यहाँ लेकर आया। पिछले 4 महीने से मैं इलाज करा रहा हूँ और
इस वक्त मेरे बेटे की जो रिपोर्ट्स हैं ऑलमोस्ट नॉर्मल हैं। पहले ये सर्दियों में दिक्कत थोड़ी सी हुई थी, उसको खारिश जैसी, तो उसको हमने जब चेक कराया तो पता चला कि उसके दोनों गुर्दों में दिक्कत है, तो डॉक्टर साहब के पास में लाया और यहाँ इलाज कराने के बाद मुझे पहले 15 दिन बाद ही मुझे आराम महसूस हुआ। मेरा बेटा अभी ऑलमोस्ट सब कुछ खा रहा है और ठीक तरीके से चल रहा है। मैंने पैथोलॉजिकल जो टेस्ट कराए थे उसमें उसके जो यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन जो मेन फंक्शन होते हैं किडनी के, वो उसके बढ़े हुए थे सभी, और आज की तारीख में सारे टेस्ट नॉर्मल हैं। विक्रम गंडोत्रा मेरा नाम है, मैं जम्मू से आया हूँ। हमें किडनी की प्रॉब्लम हुई थी, हम अप्रैल से यहाँ पे ट्रीटमेंट ले रहे हैं। हमें टेस्ट करने के बाद हमें वो फर्क नज़र आ रहा है कि अपने आप को भी महसूस हो रहा है कि हमें कुछ रिलीफ मिल रही है। लास्ट टाइम जो था उसका और आज का बहुत फर्क है। हाँ, जो लास्ट टाइम हमने करवाया था उसमें हमारा 30 आया हुआ था, और जो अब आपकी नई रिपोर्ट जो आज करवाई हुई है उसमें हमारा 42 का निकला हुआ है। इससे ये इम्प्रूवमेंट होने की वजह से, दवाई खाने की वजह से हमें बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है। मुझे जब पता चला कि अल्ट्रासाउंड कराने के बाद कि लेफ्ट साइड का किडनी बहुत छोटा, तो मैंने टीवी पे देखा डॉक्टर संजीव सर को, और वो जानने के बाद मैं यहाँ पे पिछले 4 महीने पर आया। मैंने पहले अपनी रिपोर्ट कराई थी, उसके जो रिपोर्ट के स्कैंस आए थे उसमें पता चला था कि मेरा जो किडनी था वो 50% था, और अब मैंने चेकअप कराया वो नॉर्मल हो चुका। मेरा रीनल DTPA स्कैन हुआ था, जो पहले स्कैन आया था उसका था लेफ्ट हैंड साइड का 7.90 और राइट हैंड साइड का 54.60 था, और उसके बाद जब मैंने अपना लेटेस्ट चेकअप कराया तो उसमें वो बढ़ के हो चुका है ऑल इन ऑल 71.30। नाम क्या है आपका? दीनानाथ। अच्छा, दीनानाथ कहाँ से हैं? हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। कांगड़ा। अच्छा, किस चीज़ की प्रॉब्लम है आपको? किडनी की प्रॉब्लम थी। कब से थी सर? कब से मतलब 6 महीने हो गए। 6 महीने से आपको? अच्छा, आपका डायलिसिस चल रहा था? हाँ जी। कितनी बार हुआ है? 12 बार डायलिसिस हुआ। कहाँ पर हो रहा था? मोहाली आईवी हॉस्पिटल। आईवी हॉस्पिटल मोहाली। मोहाली। तो क्या परेशानी क्या आ रही थी जब आप डायलिसिस कराने गए? मतलब किडनी में मतलब काफी मतलब प्रॉब्लम आ गई थी। अच्छा, उल्टी वगैरह? उल्टी आ रही थी। अच्छा। और खाना नहीं पच रहा था। अच्छा, खाना नहीं पच रहा था इसमें आपको? ठीक है, तो अब आपको खाना पच रहा है? हाँ जी। रिपोर्ट में आपके कोई इम्प्रूवमेंट आई है? हाँ जी। पहले रिपोर्ट आपकी क्या थी? पहले रिपोर्ट थी मेरी 7.52। फिर उसके बाद दूसरी रह गई 2.39। अच्छा। और तीसरी रह गई 1.23। के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम आयुर्वेदिक विज्ञानों में, साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वैद्य संजीव भारद्वाज जी, जो लगातार आपको बता रहे हैं कि किडनी का ट्रीटमेंट पूरी तरीके से संभव है और किस तरीके से, यही जान रहे हैं आज हम। तो आपका भी कोई सवाल है तो तुरंत करिए, नंबर्स निरंतर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। वैद्य जी आगे बढ़ेंगे, और हमारे पास ईमेल आया हुआ है मोहन जी का कोलकाता से। लिखते हैं कि वैद्य जी, मैं 5 साल का एलोपैथिक ट्रीटमेंट करा चुका हूँ, किडनी फेलियर हुई थी उसके लिए। मेरा क्रिएटिनिन लेवल 1.9 था, जो ट्रीटमेंट के बाद 8.9 हुआ, लेकिन लगातार डॉक्टरों के चक्कर लगाने के बाद भी और पूरा ट्रीटमेंट करने के बाद भी किडनी फेलियर दोबारा से हो गया। क्या अब मैं दोबारा ट्रांसप्लांट करा सकता हूँ? ओके, नहीं देखिए, ट्रांसप्लांट तो चाहे आप 50 बार करा लीजिए, उसका कोई है ही नहीं, उसका कोई यूज़ ही नहीं है। मतलब वो ट्रांसप्लांट तो किसी, वो तो मैंने पहले भी प्रश्न में पहले भी एक ऐसा देखिए, दूसरा आज ही के कार्यक्रम में दूसरा ईमेल आ गया जो ट्रांसप्लांट कराया और वो ट्रांसप्लांट फेल हो गया। लोगों को बिल्कुल गलत सलाह है, ट्रांसप्लांट तो मैं बोलूँगा बिल्कुल गलती से भी ना कराएं। ट्रांसप्लांट कराना तो अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना है, जो थोड़ी बहुत आपकी संभावना है ठीक होने की वो भी आपकी आप जीरो हो जाएंगी। अपने हाथ से किसी दरवाजे को बंद करना और ट्रांसप्लांट कराना वो दोनों एक ही चीज़ हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। देखिए, अब उन्होंने बताया 1.9 क्रिएटिनिन था, 8.9 हो गया। 5 साल तक आपके डॉक्टर ने बताया आपको उसने क्या ट्रीटमेंट दिया, 1.9 से 8.9 कैसे हो गया? अगर वो डिटोरिएशन को रोक रहा है तो अल्टीमेटली उसको वहाँ पर ये बताइए ना, उसने ऐसी कैसी वहाँ पर उसने किडनी की डिटोरिएशन रोकी कि 1.9 से पेशेंट 8.9 पे पहुँच गया।
इसके लिए प्रोसीजर है कि आप उसका पूरा डीटी पे टेस्ट कराएं, उसका कितना वहाँ पर क्रिएटिनिन लेवल है और कितना वहाँ पर यूरिया है, और वो सब के अलावा एक जांच होती है रिनल स्कैन डीटीपी है, कितने परसेंट किडनी का फंक्शन है, जो कि हर 6 महीने में कराए और दिखाए आपको कि देखो मैं ये दवाइयाँ दे रहा हूँ आपको ब्लड प्रेशर की जो भी मेरे पास में है, और उसके बाद में आपकी किडनी इतनी रुकी हुई है। देखिए, मान के तैयार नहीं है कि इनके पास में किडनी का फेलियर का ट्रीटमेंट नहीं है, पेशेंट को इतना झुलाते हैं कि बेचारा 1.9 से 8.9 हो गया, फिर ट्रांसप्लांट कर दिया, वो फेल हो गया, अब वैद्य जी ने भी हाथ जोड़ दिया कि भाई मेरे पास उसका इलाज नहीं है। तो अब बताइए, इस कंडीशन में उसको कर दिया कि उसके पास अब कोई इलाज नहीं है, अब वो अब जो ये कलकत्ता से आप बता रहे हैं जिनका, अब इनके पास अब मेरा तो ऑप्शन जीरो ही हो गया, जब ट्रांसप्लांट करा लिया बॉडी ने रिजेक्ट कर दिया तो अब वहाँ तो कुछ है ही नहीं। ऐसा सुन के मेरे को कई बार बहुत दुख भी होता है, मतलब लोगों के साथ में किस तरह का देखिए खिलवाड़ किया जा रहा है कि वो बेचारा किस कंडीशन के ऊपर पहुँचा, किस कंडीशन पर पहुँचा दिया। चलिए जो भी, एनी हाउ अब फिलहाल तो उसका अब कोई देखिए ऑप्शन मेरे पास में है नहीं। मेरे पास में तो आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आपका किसी भी कंडीशन के अंदर जैसी स्टार्टिंग हो तो बस समय बर्बाद नहीं करना इमीजिएटली, ये नहीं कि इधर उधर अपना टाइम पास करते रहो और अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे निष्कर्ष आपको जीरो निकले। तो जीरो निष्कर्ष लेना फिर तो आप टाइम पास कर सकते हो, टाइम आपका है, शरीर आपका है, तो उसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता, किंतु अगर प्रॉपर तरीके से अगर आपने करना है तो फिर तो आपको देखिए ये ट्रीटमेंट यही लेना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चारा है ही नहीं। तो दर्शकों, आप भी बिल्कुल देर ना करें, अगर आपको किडनी संबंधी कोई भी समस्या है तो तुरंत वैद्य जी से संपर्क करें, नंबर्स निरंतर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। वैद्य जी आगे बढ़ेंगे, युधिष्ठिर जी हैं उड़ीसा से, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। जी नमस्कार जी, वो मेरे पिताजी का क्रिएटिनिन अभी 1.9 था अभी 2 साल पहले, अभी 4.5 हो गया है और यूरिया भी 82 हो गया है। भाई जी बताएं आप कहाँ से ट्रीटमेंट ले रहे हैं? कम नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, उनको बोलने दो सर, जब तक ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं आता तब तक वो ऐसी बातें करता है, उसको अपने से बड़ा कोई नजर नहीं आता। आप ये बताइए कि जो आपका 1.9 से 4.5 हुआ, अभी आप कौन सा ट्रीटमेंट ले रहे हैं? अभी वो एलोपैथी, वो डुटल्फा नेफ्रो के टैबलेट। बस आप बताइए, आपने उससे पूछा कि भाई साहब आपने मेरे को मेडिसिन दे रहे हो, मेरी किडनी उसके बाद भी कैसे खराब होती जा रही है? उसको पूछना तो चाहिए, आपको पूछो तो सही जरा उसको कि जब आप मेडिसिन दे किस बात की रहे हो, आप 5-4 साल से मेडिसिन दे रहे हो, सब लोगों के साथ ऐसा ही है युधिष्ठिर जी, इसमें कोई एक आप अकेले इसके विक्टिम नहीं है, इसका विक्टिम पूरा समाज है, सब लोगों को ऐसे ही करना है उन्होंने। आप एक काम कीजिए, अपने अब कोई दिक्कत नहीं है, अपने पिताजी का रिनल स्कैन डीटीपी आपका कराना पड़ेगा, अगर चलने में असमर्थ नहीं है तो उनको दिल्ली ले आइए, और असमर्थ है तो आप उड़ीसा में रहते हैं उसके आसपास, कलकत्ता पास पड़ता है आपके? जी कलकत्ता पास पड़ता है, क्या चीज़ पास पड़ती है उड़ीसा के? जी यहाँ से 200 किलोमीटर होगा। तो 200 होगा तो वो नज़दीक पड़ेगा आपको, तो कलकत्ता के अंदर रिनल स्कैन डीटीपी की फैसिलिटी है, किसी भी अस्पताल में जाके रिनल स्कैन डीटीपी अपना करा लीजिए, और उसकी रिपोर्ट लेके अगर पिताजी को परेशान नहीं भी करना चाहें तो आप दिल्ली आ जाइए, फिर उसके बाद में उनकी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली मैं चिकित्सा करूंगा, फिर कब कब कौन कौन सी जाँच करानी है, किस तरह से उनका क्या करना है वो मैं फिर बताऊंगा। इसके अब जितना आपने धोखा खा लिया इसके बाद खाने की आवश्यकता नहीं है, जब 1.9 से 4.5 हो गया उसके बाद कहेंगे डायलिसिस करा लो, फिर कहेंगे जी ट्रांसप्लांट करा लो, फिर कहेंगे ये करा लो, मतलब वो तो आप इसी चक्कर में घर बार छोड़ के नौकरी सब और अपना अस्पताल के चक्कर काटते रहो, बस यही अंतिम ध्येय है। तो अगर इस ध्येय को पूरा करना है उनके, फिर तो भाई साहब इतना धोखा खाने के बाद भी अगर कोई नहीं समझेगा तो फिर कब समझेगा, फिर तो समस्या बाहर है जी। तो युधिष्ठिर जी, आपको वैद्य जी ने बता दिया है कि सारी रिपोर्ट लेकर आप मुलाकात कर सकते हैं, फ़ोन पर कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर्स निरंतर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, क्योंकि डॉक्टरों ने अगर आपको निराश कर दिया है तो वैद्य जी ने आपको उम्मीद की किरण दिखाई है, इसलिए बिल्कुल निराश ना हो, तुरंत संपर्क करें, नंबर्स निरंतर आपकी टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं। वैद्य जी आगे बढ़ेंगे, और देखा यह जाता है कि जैसा आपने इनको बताया, सारी रिपोर्ट अगर लेकर कोई पेशेंट आपसे मिलता है तो किस तरीके से इलाज पूरी तरीके से संभव हो जाता है? जैसे मैडम मैंने आपको बताया कि कुछ तरह की रिपोर्ट्स होती हैं, जैसे आपको मैंने बताया रिनल स्कैन डीटीपी है, जैसे किडनी फंक्शन टेस्ट है, कंप्लीट ब्लड काउंट है, पैराथायराइड हार्मोन है, ये सब अपने जब वो चेक करा के अपना आता है, कंप्लीट डायग्नोसिस करा के आता है, या नहीं भी होती तो यहाँ दिल्ली में डायग्नोसिस हमारे यहाँ पे हो जाती है, वो कोई समस्या नहीं है। डायग्नोसिस अगर कम भी है उसकी तो यहाँ पूरी हो जाएंगी, उसके अनुसार उसकी चिकित्सा की जाएगी, रेगुलर देखा जाएगी कि वाकई अगर वैद्य जी भी ये बात कह रहे हैं कि उनकी किडनी मेडिसिन खा के किडनी की डिटोरिएशन रुकी है या इम्प्रूव हो रही है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इंप्रूव हो रहा है, तो हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये बात हमारी क्लियर होनी चाहिए। अगर वो हो रहा है तो फिर कोई समस्या नहीं है, फिर तो नहीं हो रहा तो भी फिर आपके लिए टेंशन का विषय है, तो नहीं होगा तो उसका कोई रीजन ही नहीं, जो चीज वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो गई तो फिर उसके अंदर ना का तो कोई सवाल ही नहीं है। अब कोई किस्मत से देखो मैं लड़ नहीं सकता, लेकिन 10 में से अगर 9 लोगों का ठीक कर रहा हूं या 8 लोगों का ठीक कर रहा हूं तो अपने आप में बहुत बड़ा रेशो है। ये रेशो 10 में से 8 लोगों का 10 के मुकाबले नहीं है, 0 के मुकाबले है, कि जहां वर्ल्ड के अंदर कोई ट्रीटमेंट नहीं, जहां 0 आपको नंबर मिल रहा है उसके मुकाबले में ये आपको 8 या 7 लोग या 9 लोग ठीक हो रहे हैं, तो इसलिए बहुत बड़ा रेशो है, ये तो बहुत बड़ा विज्ञान है, आयुर्वेद से बड़ा तो विज्ञान वर्ल्ड में कोई नहीं है आज की तारीख में, ये मैं कह सकता हूँ। ये तो ये था कि थोड़ा सा अपने आपको सिद्ध नहीं कर पा रहे थे वैज्ञानिक रूप से, और लोग इनको अपना थोड़ा
ऐसा होने के कारण, क्योंकि अंग्रेजों का प्रचार बहुत रहा ना हमारे देश में जी, उनकी गुलामी आज तक नजर आ रही है। तो दर्शकों, वैद्य जी लगातार आपको जागरूक कर रहे हैं कि भारतीय चिकित्सा पद्धति किसी से कम नहीं है, अगर आप चाहें तो उससे इलाज पूरी तरीके से संभव हो जाता है, बस जरूरत होती है आपको एक कदम बढ़ाने की, तो तुरंत कदम बढ़ाइए, आप संपर्क करिए वैद्य जी से, आपको हर ट्रीटमेंट मिलेगा। संपर्क करने के लिए नंबर निरंतर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। वैद्य जी, जैसा कि देखा जाता है कि डॉक्टरों को सब कुछ पता होता है कि जो हम दवाएं दे रहे हैं उनका नेगेटिव इफेक्ट भी होता है, तो इस तरीके की दवाएं क्यों दी जाती हैं? मान लेते हैं कि हम सारी चीज़ें, जैसे दूध मिलावटी होता है, उसमें केमिकल होता है, ये सारी चीज़ें नुकसान करती हैं, लेकिन जब डॉक्टर जानता है कि मेडिसिन नुकसान कर सकती है तो क्यों दी जाती है? बिल्कुल, देखिए हमारे देश के, हमारे क्या ये एलोपैथी की सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा जी आप एक बात बताइए, आपने पूरी की पूरी एलोपैथी पढ़ी है, आप एक पेन किलर का नाम बताएं, तो उसने मुझे एक पेन किलर का नाम बताया, कहता है ये मेरे पेन किलर का नाम है। मैंने कहा अच्छा आप ये बताइए इसका ओरिजिन क्या है, ये पेन किलर पैदा कहाँ से हुई है, कौन सी जड़ी बूटी से ली है, कौन से केमिकल से ली है, कौन से मिनरल से ली है, ये तो आपको पता होगा। कल को अगर वो जड़ी बूटी ना मिले, उसकी जगह कुछ और देना पड़ जाए आपको, तो वो कह लेगा नहीं ये तो हमारे को नहीं पढ़ाया गया। अरे कैसी बात कह रहे हो, आप एक चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप एक दवा पेशेंट को दे रहे हैं और आपको ये नहीं पता कि इसका ओरिजिन क्या है। आप एक काम करें, जो दर्शक सुन रहे हैं ना आज, एक काम करें, जो दो दवाइयाँ वो लोग खा रहे हैं, जाके जरा अपने डॉक्टर से पूछें कि इसका ओरिजिन क्या है, किस जड़ी बूटी से ली गई हैं, या किस केमिकल से, या धरती के किस, आई तो ये हिंदुस्तान या सॉरी वर्ल्ड की धरती से ही हैं कहीं ना कहीं से, तो कहाँ से आई हैं, किस कुएँ में से निकाली हैं, किस जगह से निकाली, उनसे जरा पूछो तो सही जाके कि ये जो दवाइयाँ आप बेच रहे हो या दे रहे हो जिससे लोगों की किडनी फेल हो रही है, हर पेन किलर का साइड इफेक्ट है, हर स्टेरॉइड का साइड इफेक्ट है, हर अस्पताल में वो लिखी जा रही है। एक आदमी को इमरजेंसी पड़ी, रात को पेट में दर्द हुआ, उसने 200-400 रुपये का ऑटो किया, बेचारा भागता हुआ गया सरकारी अस्पताल तक, वहाँ उसको 1 रुपये का रेंटीडेन का इंजेक्शन लगा दिया गैस के लिए, एक पेन किलर दिया, उसके बाद घर भेज दिया। ये चिकित्सा, ऐसी ये चिकित्सा का तो कोई आधार नहीं है और कोई तुक नहीं है। तो मेरा अपना मानना ये है, देखिए जिस चीज़ का ओरिजिन नहीं पता उस चीज़ को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। आप जड़ी बूटी का पूछे तो सारे पेड़ सब कुछ यहाँ पर मौजूद है जिनका वो, जो उसका ओरिजिन है। जिस चीज़ का ओरिजिन नहीं है उसको बताइए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर आपकी किडनी फेल हो गई, फिर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि इसका इनके पास इलाज नहीं है, फिर आपको इलाज नहीं मिल रहा। ऐसे कितने लोग होंगे जिनको जिनको मेरा पता भी नहीं होगा कि मैं इस चीज़ का ट्रीटमेंट करता हूँ हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो फिर अल्टीमेटली देखिए जिस चीज़ की बहुतायत होती है, खराब करने वालों की बहुतायत है तो आज उनके डंग का बज रहा है, कल को जब ठीक करने वालों की हो जाएगी तो फिर इनका बजेगा, तो कोई बात नहीं, ये तो समय परिवर्तनशील है, समय तो बदलेगा जी। आगे बढ़ेंगे वैद्य जी, पंजाब से रमन जी है हमारे साथ, जान लेते हैं क्या सवाल है उनका। जी रमन जी बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार जी, वैद्य जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। सर ऐसा था कि मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ कि 4 साल पहले हमारे रिलेशन में मेरे मासी की लड़की है, उनका ना कुछ टांग में फ्रैक्चर हुआ था। ड्यूरिंग दैट टाइम जब पीजीआई में ऑपरेशन हुआ तो उनमें डायग्नोज हुआ कि उनको हेपेटाइटिस बी है। बिल्कुल। तो अभी 4 साल पहले, 4 साल से एक मतलब डेथ की दवाई खा रहे हैं और लीवर फ्लूइड टेस्ट रेगुलरली चेक करवा रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो एसटीपीओ वगैरह ऊपर नीचे हो जाते हैं। एसजीओटी एसजीपीटी इसीलिए बढ़ा हुआ क्योंकि वो लीवर के एंजाइम है भाई साहब। और आप एक काम, अच्छा आप एक कब कराया आपने उनका टेस्ट लास्ट टाइम? सर वो तो रेगुलरली रेगुलरली चेक करा रहे हैं एसजीओटी एसजीपीटी, तो उनका अभी हेपेटाइटिस बी के बाद सिरोसिस ऑफ लीवर वगैरह तो नहीं हुआ? नहीं सर वो तो नहीं, ऐसा टेस्ट तो नहीं करवाया, लेकिन क्वांटिटेटिव टेस्ट जो है ना वो नहीं, वो तो हो गया, हेपेटाइटिस बी का क्वांटिटेटिव टेस्ट तो सर आपने करा लिया। मेरा कहने का मकसद है कि उसको उसके आगे भी डायग्नोस करना चाहिए। आप कहाँ से बोल रहे हैं? पंजाब से? पंजाब से अनंतपुर साहब से बोल रहा हूँ जी। अच्छा लुधियाना में हो जाता है सीएमसी में, सीएमसी क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में, उस टेस्ट का नाम है फाइब्रोस्कैन। फाइब्रोस्कैन हाँ, ये आप कराइए जिससे पता चले। एक अल्ट्रासाउंड उनका रेगुलर कराइए कि सिरोसिस ऑफ लीवर तो नहीं है पेशेंट को, क्योंकि जब हेपेटाइटिस बी है या सी है कोई भी है तो वो वायरस लीवर को नुकसान करता है। हेपेटाइटिस को संधि विच्छेद कर लो, देखो हेपा बोलते हैं लीवर को, टाइटिस उसमें जो इन्फ्लेमेशन पैदा करे उसको बोलते हैं। तो जो वायरस लीवर में इन्फ्लेमेशन पैदा कर रहा है कहीं उसने ऐसा तो नहीं कि सिरोसिस कर दिया या इस तरह की कोई समस्या कर दी। तो मेरा आपको सलाह ये है कि आप फाइब्रोस्कैन करा लीजिए। फाइब्रोस्कैन में क्या आता है, प्लस साथ में उनका अल्ट्रासाउंड करा के लाइए कि कहीं उनका लीवर फैटी है तो नहीं होना शुरू हो गया, उसके अंदर कोई चेंजेस आने तो शुरू नहीं हो गए, पैरेन्काइमल चेंजेस आने तो शुरू नहीं हो गए, लीवर श्रिंक तो नहीं होना शुरू हो गया, पोर्टल वेन तो नहीं डायलेट होगी, आईएचबीआर तो नहीं डायलेट होगी, ये सब देखकर और अल्टीमेटली फिर मेरे पास में आप दिल्ली आएंगे तो फिर मैं उस हिसाब से देखूंगा। जैसे भी हो सकेगा आपका मैं ट्रीटमेंट करने की सर कोशिश करूंगा। ये सब मेरी स्पेशलाइजेशन है आयुर्वेद में, जो भी आप बता रहे हैं, चाहे वो किडनी फेलियर है, हेपेटाइटिस है या सिरोसिस ऑफ लीवर है, आप उनको बोल दीजिए, मुझसे आके मिलेंगे, फिर मैं उसके बाद क्या करना है देन आई विल लेट यू नो।
तो दर्शकों, आपने देखा कि वैद्य जी ने आपको पूरी तरीके से जागरूक कर दिया, आपकी समस्या का समाधान बता दिया है कि आयुर्वेद में किडनी का इलाज पूरी तरीके से संभव होता है। ज़रूरत है बस आपको एक कदम बढ़ाने की, बार बार आपको ये बात बताई जा रही है, इसलिए देर न करें, तुरंत संपर्क करें। नंबर्स निरंतर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि कार्यक्रम में आपकी कॉल शामिल नहीं हो पाई है तो आप पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईमेल के जरिए अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं। सभी डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। वैद्य जी, आपसे भी कहना चाहूंगी कि आप स्टूडियो में इतनी अमूल्य जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।